अबे भाई ये फिल्म ही देखता रहेगा फिर ड्राइंग भी करेगा एक भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो कुछ लोग होते हैं जो अपने आप से लड़ रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सोसाइटी वालों से लड़ रहे होते हैं, मगर मैं इस वीडियो में अपने आप से लड़ रहा हूँ, अपने आप से एक चैलेंज ले रहा हूँ, ड्राइंग चैलेंज। तो मेरी स्टोरी शुरू होती है अब। मैं छत पे बैठ के मूवी देख रहा था DDLJ, और मूवी का एकदम लास्ट सीन चल रहा था ये वाला। और यार एक तो मेरे को ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है, हर बार हर मूवी में विलन की एंट्री एंड में ही क्यों होती है? कुछ ऐसा ही यार मेरे साथ भी हुआ है, अब आप खुद ही देख लो आगे की वीडियो में। अबे भाई ये फिल्म ही देखता रहेगा फिर ड्राइंग भी करेगा, एक वीक हो गया तेरी वीडियो आए। अबे भाई तेरे को क्या मतलब है, मैं बना लूँगा अपने आप वीडियो, तू जाके अपना काम करना। चल पूछवाऊँ, तुझे कोई भी नहीं जानता है, बच्चा भी नहीं जानता है, बड़ों की तो दूर की बात है। चल पूछवा। तू क्या ड्राइंग्स को जानता है? नहीं भाई मैं तो नहीं जानता। नाम तो सुना होगा इसका? नहीं भाई। यार जानता होगा, कहीं तो देखा होगा। नहीं भाई नहीं। अबे यार तू इसका नाम जानता है? इसका नाम क्या ड्राइंग्स है, सुना तो होगा कभी? नहीं यार मैंने नहीं सुना इसका नाम। तो यार काफी लोगों से पूछने के बाद पता लगा कि मुझे कोई भी नहीं जानता है, मेरे आसपास के लोग ही मुझे नहीं जानते हैं। तो मुझे एक चैलेंज मिलता है, और चैलेंज कुछ इस तरीके से है कि मुझे पेंटिंग बनानी है, पेंटिंग जो मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और पेंटिंग भी किस पे बनानी है? मिठाई के डिब्बे पे। मैंने नॉर्मल स्केचेस बनाए A3 और A4 साइज शीट पे, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब यार नाम कमाने के लिए कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा ना। तो यार धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था, और हर बार मुझे मेरा वो चैलेंज याद आ रहा था, बट मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं था कि उस मिठाई के डिब्बे पे मुझे किस चीज़ की पेंटिंग बनानी चाहिए। बस उस टाइम पे मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। तो यार 2 दिन बाद मेरे दिमाग में एकदम से एक आइडिया आता है कि मैंने लास्ट मूवी DDLJ देखी थी, क्यों ना उसी मूवी की किसी सीन की पेंटिंग बनानी चाहिए। तो अब यार करते हैं पेंटिंग को स्टार्ट, और मैंने डिब्बा ले लिया, मैं उसको इस शेप में ले आऊँगा ताकि जो पेंटिंग है वो अच्छे से बन पाए। तो यार मैं कार्डबोर्ड के साइज़ का एकदम पेपर कट कर लूँगा ताकि उस पर अच्छे से पेस्ट हो सके, और फिर मैं उसके ऊपर पेंटिंग बना पाऊँ। तो मैंने पेपर के ऊपर पहले से आउटलाइन कर ली है, अब मैं इस पेपर को इस कार्डबोर्ड के ऊपर फेविगम की हेल्प से पेस्ट कर दूँगा। तो बस अब यार पेंटिंग को करते हैं स्टार्ट, और आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और मैं मिलता हूँ आप सभी को वीडियो के एंड में। कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये सेनोरिटा सेनोरिटा क्या लगा रखा है? Oh, oh, oh.
तो यार जो पेंटिंग है वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और अब आप एंजॉय करो वीडियो का फाइनल पार्ट। यार जो वीडियो थी वो कंप्लीट हो चुकी है, इस वीडियो के अंदर एनिमेशन भी था, स्टोरी भी थी और आर्ट भी थी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हर एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अबे ये तो कोई भी कर लेता, अगर दम है तो ये करके दिखा। अबे यार।